दोस्तों, आप कई बार देखते हो कि आपके सामने जब आप अपना कैमरा ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके का एरर आपको देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, ये एरर दो तरीके से आता है, या तो आपका जो हार्डवेयर होता है यहाँ पे जहाँ आप कैमरा देख सकते हो, या तो कैमरे की केबल डैमेज हो जाती है या कैमरे में कोई प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज़ दोस्तों, मैक्सिमम चांस होते हैं कि ये जो प्रॉब्लम होती है वो विंडोज़ की वजह से आती है। और इस केस में काफ़ी लोग क्या करते हैं, अपनी विंडोज़ रीइंस्टॉल करा के देख लेते हैं। उसमें होता यह है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी हो जाती है कई बार, कई बार नहीं भी होती, लेकिन आपकी विंडोज़ का जो डेटा होता है वो आपको पता ही है, इधर उधर हो जाता है अगर आप रीइंस्टॉल कराते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप बहुत ही ईजी तरीके से कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। दोस्तों, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे दोस्तों, आप जैसे ही सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ उसके बाद दोस्तों आपको फाइंड ए सेटिंग में टाइप करना है कैमरा। दोस्तों, यहाँ पे आप जब ये करोगे टाइप तो कुछ इस तरीके की सेटिंग्स आती है आपके सामने। दोस्तों, यहाँ पे जो आपका कैमरे की सेटिंग्स है ना, वो खुल जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहले तो आपको ये देख लेना है कि जो कैमरे का एक्सेस होता है वो ऑन होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ये ऐसे ऑफ होता है, आपको इसको सिंपली ऑन कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे भी कैमरा ऑन होना चाहिए, ये भी ऑफ रहता है। दोस्तों, मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको दो तीन सेटिंग्स करके बताऊंगा और कैमरा बहुत ही इजी तरीके से ऑन हो जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दोस्तों, इतना करने के बाद ना दोस्तों, एक लास्ट में एक सेटिंग और होती है, ये भी कभी कभी ये ऑफ हो जाती है, तो इसको भी ऑन रहने देना। दोस्तों, ये प्रॉब्लम आती क्यों है, मैं इस बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रॉब्लम आती है जब आपकी विंडोज़ कई बार अपडेट लेती है तो उसके कैमरे का कोई अपडेट नहीं हुआ जाता है या कुछ भी है, तो उसका एक्सेस वहाँ से हट जाता है। तो दोस्तों, इतना करने के बाद अगर आपकी ये तीनों सेटिंग्स ओके हैं, अब दोस्तों कैमरा हमारा फिर भी नहीं चलेगा। देख लेते हैं चलता है नहीं चलता। दोस्तों, अभी भी सेम इशू है। दोस्तों, ये इशू अब आपको देखना है, दिस पीसी पे राइट क्लिक करके मैनेज पर जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है डिवाइस मैनेजर में। यहाँ पे दोस्तों आपको आपका जो हार्डवेयर होता है वो सारा यहाँ पे आपको शो होने लगता है। दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें सारे हार्डवेयर शो हो रहे हैं, जैसे कि ऑडियो इनपुट, बैटरी, ब्लूटूथ, कंप्यूटर डिस्क मैनेज, डिस्प्ले अडेप्टर वगैरह, सारा कुछ जो भी है वो शो हो रहा है, लेकिन सिर्फ कैमरा इसमें ओपन नहीं हो रहा। तो दोस्तों, इसको देखने के लिए ना एक बार ये जो आप देख सकते हो सर्च स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस, यहाँ पे आपको एक बार टैप कर लेना है। आप जैसे ही इस पर टैप करते हो तो दोस्तों अब आप देख सकते हो कि आपका जो कैमरा है अब यहाँ पे शो होने लगा है। अब दोस्तों अपना कैमरा ऑन करके देखते हैं चलता है नहीं चलता। तो दोस्तों, अब अपना कैमरा ऑन हो चुका है, आप देख सकते हो। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप इतना कर लेते हो तब भी आपका कैमरा नहीं चलता, उसके बाद आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। आपको इसमें टाइप करना है कैमरा टेस्ट। दोस्तों, आपको एक वेबसाइट दिखती है फर्स्ट वाली, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अगर आपकी विंडो में कोई प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन आपका जो कैमरा है वो चल जाएगा, अगर आपका हार्डवेयर ओके है तो। यहाँ पे आपको परमिशन मांगता है ये, आपको इसको अलाउ कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपका कैमरा ऑन होता है तो आपकी विंडोज़ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही देखना है कि ऑनलाइन क्या आपका कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर आपका ऑनलाइन कैमरा ओके है तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में दोस्तों आपकी विंडोज़ काम नहीं करती, ऑनलाइन में आपका जो हार्डवेयर है वो डायरेक्ट आपकी साइट से वर्क करता है आपका एक्सेस लेके। उसके बाद दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपका कैमरा तो चल जाता है लेकिन माइक नहीं चलता, क्योंकि वीडियो क्लासेस होती हैं जो ऑनलाइन क्लासेस,
उसमें दोस्तों विदाउट माइक के आपका कुछ भी वर्क नहीं हो पाता। कैमरा एक बार मैं बता देता हूँ आपको कैसे चेक करना है आपका माइक चल रहा है या नहीं चल रहा। आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी, जो भी सिंपली जो आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि कई बार आप कैमरा तो ऑन कर लेते हो लेकिन आपका जो माइक है वो प्रॉपर साउंड आपकी नहीं जा पाती किसी भी वीडियो कॉल वगैरह में। तो दोस्तों जो भी मैं अब बात कर रहा हूँ तो ये अब देखते हैं रिकॉर्ड हो चुकी है कैमरे के अंदर। अब इसको सिंपली आप यहाँ से ऑन करके देखोगे तो दोस्तों आप देख सकते हो कि वॉइस नहीं आ रही हमारी। यहाँ पे जो अपना माइक है ना वो वर्क नहीं कर रहा प्रॉपर, क्योंकि स्पीकर हमारे ओके हैं। इस केस में दोस्तों कई बार ऐसा होता है आपका माइक ओके होता है लेकिन अगर आपके स्पीकर वर्क नहीं करते तो आपकी वीडियोज़ में साउंड नहीं आता, तो वो माइक ऐसे टेस्ट नहीं होता। आपको माइक टेस्ट के लिए यहाँ पे टाइप करना होगा माइक्रो दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे देख लेना है कि आपके माइक्रोफोन को एक्सेस मिला हुआ है नहीं मिला हुआ। दोस्तों आपके माइक्रोफोन को एक्सेस आराम से सिंपली मिला हुआ है। अब देखते हैं कि फाइनल स्टेप होता है दोस्तों, आपको ऑनलाइन चेक करना होता है। आप टाइप करके देख सकते हो, दोस्तों माइक टेस्ट आप एक वेबसाइट होती है यहाँ पे आप अपना माइक टेस्ट कर सकते हो। ये थोड़ा सा आपसे परमिशन वगैरह लेता है। यहाँ पे भी आपको टेस्ट माइक पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको ये एक्सेस लेता है। अब दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये पूरा जो भी आपका प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है निकल गई। दोस्तों यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टेस्टिंग फेल बिकॉज योर माइक्रोफोन कुड नॉट कैप्चर एनी साउंड, प्लीज़ मेक श्योर योर माइक्रोफोन इज म्यूटेड एंड ट्राई अगेन। दोस्तों यहाँ पे ना आपका जो माइक है, कई बार ऐसा होता है कि आपका माइक वर्क नहीं करता, हार्डवेयर इशू होता है, तो यहाँ पे सिंपली ये टेस्टिंग फेल बता देता है अगर आपका हार्डवेयर में प्रॉब्लम है। ये आपकी हार्डवेयर की प्रॉब्लम है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो आपका कैमरा चल जाएगा और इन्हीं स्टेप को चेक करके आप अपने माइक को भी ऑन कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो भाई आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है विंडोज़ लैपटॉप से रिलेटेड, विंडोज़ लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनमें दोस्तों जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे वाईफाई नहीं चलना या अदरवाइज जितनी भी होती हैं वो आप कमेंट कर सकते हो और उसका सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड बाय।